हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो एबी डिविलियर्स एक ऐसा प्लेयर जिसका नाम जब भी जुबान पे आता है तो सारे लोग उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। आखिर ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसका कोई भी हेटर नहीं है इस दुनिया में। जब भी ये बात निकल कर सामने आती है तो एबी डिविलियर्स का नाम कहीं ना कहीं सबसे ऊपर उस लिस्ट में आता है। तो ऐसे में एबी डिविलियर्स ने आखिर क्रिकेट इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर ऐसे क्या रीजंस थे जो इतनी अच्छी फॉर्म में होने के बाद भी एबी डिविलियर्स ने मना कर दिया क्रिकेट को। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि क्रिकेट की न्यूज़ और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं इस वीडियो को। तो एबी डिविलियर्स आपको याद होगा कि आईपीएल से काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, और ऐसे में यहां पर एबी डिविलियर्स ने अचानक से डिसाइड कर दिया कि वो यहां पर साउथ अफ्रीका के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। अब ये फैसला इसलिए भी शॉकिंग था क्योंकि यहां पर एबी डिविलियर्स ने ये बोला था कि वो यहां पर जो नेशनल लेवल की लीग होती रहती है दूसरी कंट्रीज़ में उसमें खेलना जारी रखेंगे, यानी कि वो आईपीएल में भी खेले, उसके बाद वो पाकिस्तान में भी खेले। तो ऐसा क्या रीज़न था कि सब लोग यही जानना चाहते थे कि अगर आप इन लीग्स में खेल सकते हैं तो आप आखिर अपनी कंट्री के लिए क्यों नहीं खेल सकते। तो डिविलियर्स ने उस टाइम ये रीज़न दिया था कि वो काफ़ी टाइम से इस खेल को खेल रहे हैं, काफ़ी उन्होंने इन्जॉय किया इस गेम को और इस गेम ने भी उनको काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन यहाँ पर अब वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं क्रिकेट की वजह से। वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, और उस डेडिकेशन के साथ अगर उनको खेलना है तो वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि उनकी फैमिली जिस एज में अभी है, मतलब जिस एज के उनके बच्चे हैं, उनके साथ अगर उन्होंने अभी टाइम स्पेंड नहीं किया तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करेंगे। और उनका इशारा साफ साफ इस तरफ भी था कि क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है उनकी ज़िंदगी में, उससे इंपॉर्टेंट फैमिली है ऑब्वियसली, तो वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और रीज़न ये भी था कि अफ्रीका की जो नेशनल टीम है वो चाहते थे कि नेशनल टीम में नए प्लेयर्स को मौका मिले और वो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि अपना आधे मन के साथ खेलें और उस वजह से टीम को नुकसान हो जाए। तो इसीलिए डिविलियर्स ने छोड़ दिया था क्रिकेट। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आई थी वर्ल्ड कप से पहले, जहाँ पर हमें पता चला था कि डिविलियर्स ने कॉन्टैक्ट किया था फाफ डु प्लेसी को और उन्होंने बोला था कि मैं वहाँ पर खेलना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका की टीम के लिए, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम ने रिजेक्ट कर दिया एबी डिविलियर्स का ये ऑफर। और अफ्रीका की टीम ने साफ साफ बोल दिया कि जब टीम को आपकी ज़रूरत थी तब आप ये बोलकर चले गए थे कि मैं बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देना चाहता हूँ, तो अभी अगर आप वर्ल्ड कप के लिए टीम में आना चाह रहे हो तो हम आपको इस तरह से नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमारी एक सिलेक्शन का प्रोसेस है हम उस प्रोसेस से हट कर जाना नहीं चाहते। तो इस वजह से यहाँ पर डिविलियर्स को लिया ही नहीं गया और उसके बाद से सारे दरवाजे बंद हो गए डिविलियर्स के इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के। तो इस तरह से एबी डिविलियर्स की जर्नी खत्म हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन हम होप करते हैं कि वो इसी तरह से जो नेशनल लेवल की लीग्स होती रहती हैं हर कंट्री में वहाँ पर जाएं, और जिस तरह की फॉर्म में भी चल रहे हैं उस तरह की फॉर्म को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि आने वाले 2 या 3 साल तो आराम से एबीडी यहाँ पर क्रिकेट की दुनिया पर इसी तरह से राज करने वाले हैं। तो इस वीडियो के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह से क्रिकेट से जुड़ी हर न्यूज़ और अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।